पार्टीशन वेले अंग्रेजा ने बहुत तरले किए पंजाबियों के सिखा दे कि तुसी अपना अलहदा ले लो हुणे ही इलाका ले लो अपना नवा अलहदा या पाकिस्तान रह लो या अलहदा ले लो। भारत च आ गए जी सब कुछ लुटा के आ गए पाकिस्तान तो जमीन जायदादां जो साढ़े को सरकार सीगा उत्थे छड़ के इत्थे आ गए इस देश वास्ते। जिहड़ा पाकिस्तान नाल बॉर्डर आ जिन्नी देर नहीं खुलता अपना कुछ नहीं बन सकता। प्रो पंजाब टीवी ते सुखपाल खैरा साडे नाल मौजूद ने। खैरा साहब दीप सिद्धू दा साथ देने लई पहुंचे हो, सियासतदान वजो साथ देने लई पहुंचे हो, किवें? मैं दीप सिद्धू दा साथ नहीं देण पहुंचे। असीं अपने सूबे दी जिहड़ी किसानी आ जिहड़ी मर रही आ जिहड़ी 1 लाख करोड़ दी करजई आ जिहड़ी आत्महत्या दी हद तक पहुँच गई आ असीं उहनां दी सपोर्ट कर रहे। मैं जिहड़ियां 30 जथेबंदियां ने जिन्ने भी प्रोग्राम दित्ते ने असीं अपने हल्के भुलथ विच उहनां दे धरनिआं विच बैठ के उहनां दी पूरी सपोर्ट कीती आ। 26-27 दे धरने विच वी जावांगे। इसलिए मजमूई तौर पर एक किसी व्यक्ति विशेष की सपोर्ट नहीं गी, एक कॉज की सपोर्ट है, एक इशू की सपोर्ट है। क्योंकि अगर पंजाब एक खेती प्रधान सूबा वा, अगर पंजाब सर्वा आर्थिक तौर पर लुटिया जाएगा और मारिया जाएगा तो फिर इतने कोई सर्वाइव नहीं करेगा। इस करके साढ़े बच्चे विदेशों भज रहे हैं। खैर साहब तुम कॉज की गल की, इसे कॉज में लैके कुछ दिन पहला तो पुराने साथी सिमरजीत बैंस वालों भी एक मार्च कढ़ाया सीगा, नज़र नहीं आए? कॉज तो सेम ही सी। नहीं, वो कॉज उन्होंने अपना अपने आप ही प्रोग्राम उलीकिया पानिया का, उन्होंने किसी को सद्दा पत्र नहीं दिता, संपर्क नहीं किया गया। नहीं, ये जो कॉमन एक प्लेटफॉर्म है ये सारिया पार्टिया के लीडर सारे समाजिक लोग इतने तुम एक खुला सद्दा वा, लेकिन वो जरा उन्होंने एक अपने झंडे के थले जोड़ा उन्होंने पार्टी का झंडा ना वो थले एक प्रोग्राम से कॉमन प्रोग्राम नहीं। हालांकि पानिया का इशू बहुत इंपोर्टेंट है, असं मुद्दे ही हाँ और अज के नहीं अरसे तो लड़ रहे हैं। जी मैं गल कहना चाहता सगा कि पंजाब के नाल इस वक्त केंद्र की सरकार ना धोखाधड़ी कर रही है। मंगण वाले असी हाँ, संघर्ष पंजाब के किसान जथेबंदियों के लखां लोगों ने लाया, पंजाब की विधानसभा ने एक मता पास करके कानून रद्द कर दते। मंग असी रहे हैं कि साड़ियां मंगा और शांतमई ढंग नाल मंग रहे हैं, किसी के सट नहीं लगी अज तक। तो बीजेपी उल्टा शर्ता सानू मना रही है कि तुसी जे पैसेंजर ट्रेन चला दोगे तो असी गुड्स ट्रेन चलावे। ये किहो जी सरकार है? कि पंजाब भारत का सूबा नहीं गा? कि असी कोई दुश्मन देश का सूबा वा? इसलिए उन्होंने जोड़ा वतीरा ना वो चलाकी वाला जो इस देश का सिस्टम है, चतुराई वाला सिस्टम है, ये कोई फराख दिली नहीं गी। जे हुण किसानां ने रेल गड्डियां पैसेंजर गड्डियां चलाउण दा मन लिया ना, हुण बीजेपी सरकार नूं अपने पक्ष वल्लों जो पंजाब दीआं हक्की मंगां ने किसानां दे ओह मन लैणियां चाहीदियां वा। जो आने वाले दिनों में दिल्ली किसान कुछ करेंगे तुसीं नाल जाओगे ना? साथ दोगे? 100% जावांगे, बल्कि मेरी सब नूं इह फरियाद आ, ये पंजाब दे भविख की लड़ाई आ। जे जे असीं लड़ाई ना जित्ती तो अपना खेती कानून काले कानूनों रद्द ना कराया इतने कोई भी बच्चा नहीं रहना। दिल्ली वालों का कोरोना का हवाला दिता जा रहा है कि उत्थे कोरोना बहुत ज़्यादा फैलिया होया कि असीं दिल्ली दे विच एंट्री नहीं होंदा। वो सिर्फ एक बहाने साजी है जी। तुसीं मैनूं दसो कि करोना सारी दुनिया च, अमेरिका च भी है, यूरोपियन कंट्रीज भी, इंडिया च भी है, इहदियां वेव्स अपडाउन होंदियां रहिंदियां ने। जे इस देश विच बिहार दी इलैक्शन च लखां लोग इकट्ठे हो सकते आ, उत्थे कोई करोना नहीं दा डर नहीं सीगा, तो हुण वोटां वास्ते लखां इकट्ठे कीते जा सकते आ। पर जे अपनियां जायज़ गल्लां कहण वास्ते निहत्थे लोग शांतमई ढंग नाल दिल्ली आ रहे ने, उहनां नूं करोना दा बहाना बनाया जा रहा, यह गलत गल है। और मैं समझदा कि यह सिर्फ एक इहनां दे 26-27 दे प्रोग्राम नूं टॉरपीडो, फिर मैं उही गल कह रहा, चतुराई बहुत करते हैं, चलाकी करते हैं, चलाकी नाल पॉलिटिक्स कर रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किसानों नाल मीटिंग भी कर ली गई 26 तो पहला, उसको किस तरह देखो? देखो एक गल आ कि मैं जे होर कुछ ना कहां तो मैं सरकार बारे इन्नी गल जरूर कहना चाहना कि जिहड़ा इन्होंने मता पास करता विधानसभा का सद के ते तिना कानूनों नूं उत्थे अमेंडमेंट करती, ये अपने आप में काफ़ी वड्डी प्राप्ति सी। जिहड़े लोग साडी 115 MLने मता सरबसम्मति नाल पास किया, सारिया पार्टियां राजपाल नूं मिलण गईआं। जिहड़ियां पार्टियां हुण अकाली दल या आम आदमी साडा विरोध करदे ने कि जी ये धोखा हो गया, इहनां नूं कहो दिल्ली की विधानसभा केजरीवाल दे कोल आ, उत्थे मता पास करा देण, उत्थे वकील भी बड़े टॉप दे इहनां दे कोल, इहनां नूं कहो चंगे कानून तुसीं मोदी दे बनाए कानूनां तो तकड़े कानून दिल्ली की विधानसभा च पास कर दिओ, असीं पंजाब की विधानसभा च उही कानून लागू कर दें। करन तां सही, इस करके अंडर द गिवन सरकमस्टांसिस जो एक स्टेट गवर्नमेंट फैडरल ढांचे विच रहिंदिआं केंद्र सरकार का विरोध कर सकती सी, वो इन्होंने किया।
मेरा आखिरी सवाल खैरा साहब, कुछ देर पहला शंभू मोर्चे से परमिंदर ढींसा भी पहुंचे थे, हुण कुछ भी पहुंचे हो कि दीप सिद्धू, परमिंदर ढींसा, सुखपाल खैरा सब मिलकर एक नवे फ्रंट की दोबारा कोशिश तो नहीं कर लगे अगले? असं तीन क्यों नहीं, असं सारा पंजाब क्यों नहीं कट्ठे होंगे? साड़ी किसी की जाति लड़ाई तो नहीं हैगी इस करके, और मैं पिछले काफ़ी अरसे तो सब कट्ठे करने की कोशिश की है। सवाल इसलिए सगा तुम स्टेज तो कहा सगा कि मैं पिछले कई सालों तो ओपोजिशन के ऐतकी कितने सत्ता में आने का प्लान बन रहा हो? नहीं सत्ता नहीं, मैं अपना पिछोकड़ दस रहा है कि हमेशा लड़ते आए हैं। सत्ता इसलिए जरूरी आ क्योंकि तुम सत्ता दे विच बैठ के जेडे आम आ इशूज़ ने जिदा आ खेती का इशू आ या इंडस्ट्री का इशू ताइयों हल कर सकते हो ना, इस करके सत्ता च होना भी बहुत जरूरी आ। पर इना वर्गी सत्ता नहीं जी, इन्होंने बादलों ने चलाई तो जी पुरानिया पार्टियां ने चलाई, इदा की सत्ता नहीं। इट हैज़ टू बी क्लीन एंड नीट गवर्नमेंट, इस करके असं ये सारियां नू कॉल दी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय से इकट्ठे जरूर होंगे। मेरा आखिरी सवाल तुम पाकिस्तान नू लैके काफ़ी नरम नज़र आए, थोड़ा प्रेम दिखाया कि पाकिस्तान के नाल जिहड़ा खुल देना चाहिए, इंडस्ट्री वधनी चाहिए कि पंजाब नू बचाउण दा एक तरीका है कि जेकर पाकिस्तान के नाल ट्रेड वधदा है? गल आ मेरी पाकिस्तान के नाल कोई नरमाई नहीं गी, कोई किसी तरह प्यार नहीं, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दस रहा वा क्योंकि आ जिहड़ा पंजाब है ना ये पाकिस्तान के पंजाब चों निकलिया काफ़ी वड्डा हिस्सा साढ़े, उन्होंने तलुकात कोई लोगों के आपस में तलुकात खराब नहीं गए, सरकारां दे खराब ने, इस करके अपनी किड़ विच वो साड़ी स्टेट का नुकसान कर रहे हैं। साड़ी स्टेट का अगर पाकिस्तान नाल पंजाब का बॉर्डर खुलिया हो, बहुत वड्डी मार्केट है सारे सेंट्रल एशिया की, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, सारा USSR का वड्डा ब्लॉक, वो मार्केट ही मार्केट है। सावे साढ़े को 2500 किलोमीटर दूर बॉम्बे ते कैलकटा दे पोर्ट्स ने, एक साढ़े को लाहौर ते अगे कराची दे नाल, असी सिर्फ व्यापार की गल कर रहा, मैं व्यापार और व्यापार दे नाल की आ, कल्ली खेती नू नहीं फायदा होना जे बॉर्डर खुलेगा, और ये बॉर्डर पहला खुला रहा वा, ये पुरातन समय में इनू सिल्क रूट भी कहिंदे सीगे, एडा इंपोर्टेंट रूट सीगा ट्रेड का, ये कल पंजाब के किसान नू फायदा नहीं होना, पंजाब के इंडस्ट्री नू भी फायदा होना। और मेरी गल याद रखियो, इंडस्ट्री उन्नी देर तक प्रफुल्लित नहीं हो सकती पंजाब की जब तक ये बॉर्डर पाकिस्तान के नाल नहीं खुलेगा, क्योंकि साढ़े कोई पोर्ट नहीं गा, साढ़े कोई बंदरगाह नहीं गी, साढ़े कोई ड्राई पोर्ट नहीं गा, ऑल वी हैव टू, सारा रॉ मटीरियल बाहरों आता, सारी बनी बनाई चीज़ बाहर जाती है, सो वी आर प्रैक्टिकली असी दूजियां स्टेट्स नाल कंपीट ही नहीं कर सकते, खास तौर पर पहाड़ी सूबे जिन्हां नू बहुत वड्डियां छोटां दित्तियां गईयां। खैरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रो पंजाब टीवी के नाल जुड़न के लिए। तो यह सन सुखपाल खैरा जिन्हों वालों वख वख मुद्दे अपनी बेबाकी के नाल राय रखी गई, उन्होंने पाकिस्तान के बारे कहा है कि पंजाब नू बचाउण दा एक तरीका यह भी है कि पाकिस्तान के नाल ट्रेड, पाकिस्तान के नाल व्यापार खोल दिता जाए, नाल ही निशाने भी सदे ने दोनों सूबा सरकार और केंद्र सरकार से भी, नाल ही यह भी कहा है कि वह किसानों के नाल ने, किसानों के नाल दिल्ली भी जाएंगे। इस दे नाल ही एक बार फिर नवे बदल की गल भी सुखपाल खैरा वालों कही गई है कि हर आगुआ नू दोबारा यह कॉल देंदे ने कि पंजाब नू बचाउण दे लई एक बार मुड़ तो फिर इकट्ठा होन। कैमरामैन शमशेर सिंह, लवप्रीत बंगड़, प्रो पंजाब टीवी, शंभू मोर्चा।